नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 अप्रैल। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। प्राइवेट के बाद अब बिहार के सरकारी स्कूल में भी होगी ऑनलाइन पढ़ाई। प्राइवेट स्कूल के बाद अब सरकारी स्कूल में भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते असर के कारण बंद में छात्रों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूल के छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसीलिए सरकार ने छात्रों की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। सड़कों पर उतरने के दौरान जान गंवाने वाले नियोजित शिक्षकों के परिजनों को 4-4 लाख की मिलेगी राशि। सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षक को लेकर, खासकर उन शिक्षकों को जिन्होंने सड़कों पर उतरकर मांग के दौरान अपनी जान गंवा दी है, उनके लिए सरकार ने अहम ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार ने जान गंवाने वाले सभी शिक्षकों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों में से 42 शिक्षकों ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसकी जानकारी सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने दी है। गया में बंद का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से आया जाएगा पेश। बंद का पालन नहीं करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों पर अब ड्रोन के जरिए नजर बनाने का काम कर रही है, जिससे कि अब इन लोगों को आसानी से चिन्हित करके नियमों को तोड़ने के लिए सख्त से सख्त पहल तेज की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त आदेश बिहार के गया जिले में दिया गया है, जहां पर प्रशासन ज्यादा समझदार लोगों को पकड़कर सबक सिखाने में जुटी हुई है। कोरोना की इस परीक्षा को पास करने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को दी 147 करोड़ रुपए की राशि। अभी पूरी दुनिया में कोरोना सबकी परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं बिहार में भी लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की मदद करते हुए 147 करोड़ रुपए की सहायता दी है, जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस माहौल में 66.79 करोड़ और कोरोना पैकेज के तहत 81.20 करोड़ रुपए की प्रथम फेज की राशि बिहार को दी गई है। बिहार में चिराग पासवान करते दिखे अपने पिता की शेविंग। बंद के दौरान जहां पर पार्लर और सैलून जाने वालों को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, जिससे कि अब लोग घरों में ही बाल बनाने, दाढ़ी मूछ बनाने का काम पर मजबूर हो गए हैं। वहीं बंद के कारण चिराग पासवान और रामविलास पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें चिराग पासवान अपने पिता की शेविंग करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो चिराग पासवान ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया था, जिसके तहत उन्होंने लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पास यह करने की भी क्षमता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिला अधिकारियों को मॉनिटरिंग का दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों की मदद की पहल तेज करते हुए सभी जिला अधिकारियों को मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया है, ताकि वह अपने अपने क्षेत्र के रबी फसलों की हार्वेस्टिंग करवा सके। इससे किसान और मजदूरों की परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के अधिकारियों को कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए ट्रिपल टी के फॉर्मूले पर तेजी से अमल करने का निर्देश भी जारी किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को सुनाई खरी खोटी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने गमछा का उपयोग करने की सलाह देने पर तंज कसा है। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर नहीं मिलने पर खटिया का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ की गई बैठक में घरेलू मास्क पहनने की अपील की गई थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा कि वेंटिलेटर ना मिले तो खटिया का इस्तेमाल कर ले, वहीं पीपीई किट ना मिले तो रेनकोट का उपयोग करे, है ना। कृष्णनंदन वर्मा ने शिक्षकों से बातचीत का दिया आश्वासन। सड़कों पर उतरे सभी शिक्षकों के लिए कृष्णनंदन वर्मा ने अहम ऐलान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने यह साफ कहा है कि कोरोना की परिस्थिति ठीक होने के बाद ही सभी शिक्षकों के साथ बातचीत होगी। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी नियोजित शिक्षक जो कि सड़कों पर उतरे थे, उन्हें काम पर नहीं जाने का पैसा नहीं दिया जाएगा। साथ ही हम सभी नियोजित शिक्षकों से यह आग्रह भी कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो काम पर लौट जाएं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने गरीबों को खाना खिलाने का किया वादा। बीते दिन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अचानक से पटना के एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने कई कमजोर तबके के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी लोगों से उनकी जरूरत के सामान की लिस्ट भी बनवाई। साथ ही यह भी दावा किया कि 109 परिवार के करीब 500 सदस्यों को बंद तक सुबह शाम खाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। वहीं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उन सभी लोगों का धन्यवाद भी व्यक्त किया, वह सरकार के आदेशानुसार जो बंद का पालन कर रहे हैं। सासाराम पटना मुख्य मार्ग को जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से किया बंद। बिहार में कोरोना के मामले को बढ़ता देखकर जिला प्रशासन सख्ते में है। इसी को ध्यान में रखते हुए सासाराम में भी जिला प्रशासन ने शहर से आने वाली तमाम सड़कों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ताकि बाहर से आने वाले किसी भी वाहन को प्रवेश न मिल सके। प्रशासन की कोशिश है कि बॉर्डर पर पूरी तरीके से बंदी का पालन किया जाए, ताकि कोरोना के बढ़ते असर को रोका जा सके। बिना मास्क पहने लोगों को पटना में पेट्रोल डीजल और सीएनजी नहीं देने का जारी किया गया आदेश। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं सरकार भी अब लोगों से नियमों का पालन करने को कह रही है, जिसके तहत सरकार ने यह साफ कह दिया कि अब पटना के सभी नागरिकों का मास्क पहनना अनिवार्य हो गया। सिर्फ मास्क पहनना ही नहीं, बिना मास्क पहने अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल डीजल या सीएनजी लेने गया तो उसे पेट्रोल डीजल या सीएनजी मुहैया नहीं करवाई जाएगी, जिसकी जानकारी पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हाल ही में अपने एक बयान के तहत दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश को दी नसीहत।
रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुझाव दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा है कि आम नागरिकों के अकाउंट में जो पैसा है उसे छोड़कर शेष सभी अकाउंट में डीपीटी के माध्यम से एक न्यूनतम निर्धारित राशि जमा की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बिहारी के अकाउंट में राशि नहीं उनके खाते में पैसे भेजने की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा का यह भी मानना है कि सरकार के इस कदम से बंद की स्थिति में गरीबों की परेशानी को कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बिहार की जनता से सही तरीके से पेश आने की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर, पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी, कर्मी, सफाई कर्मी एवं अन्य फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका की सराहना करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बात से भी परेशान होते हैं कि कुछ लोग उनसे ही सही तरीके से पेश नहीं आते, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना की इस परीक्षा से निकालने में लगे कर्मियों के साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार ना करे। यह लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर समाज और देश को बचाने में लगे हुए हैं। हम सभी का यह दायित्व है कि हम इनका उत्साह बढ़ाएं। सीबीएसई फेल होने वाले छात्रों को अब देगी एक और मौका। सीबीएसई स्कूलों में इंटरनल एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों को कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दूसरा मौका दिया जाएगा, जिसके तहत सीबीएसई ने संबंधित स्कूलों में इंटरनल एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों का रिजल्ट रोक दिया था, जिसके बाद यह नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हर छात्र छात्रा को अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। वहीं स्कूलों को यह भी कहा गया है कि अगर वह चाहें तो छात्रों का फिर से ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम लेकर के उन्हें हर हालत में पास करें। बोधगया में फंसे 79 विदेशी नागरिकों को किया गया आइसोलेट। बोधगया में फंसे 79 नागरिकों को चिन्हित कर आइसोलेट कर दिया गया है। खबरों की माने तो ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के ऐलान के बाद से ही बोधगया में फंस गए थे, जिसके बाद इन लोगों को चिन्हित किया गया है। साथ ही इन्हें आइसोलेशन में डाला गया है, जिसकी जानकारी गया के जिलाध्यक्ष ने दे दी है। बीते दिन तक 4 मरीज हुए कोरोना से ठीक। बिहार में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। वहीं बीते दिन तक बिहार में 3 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही बिहार में बीते दिन तक कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा 64 पहुंच चुका था। इसी बीच थोड़ी राहत वाली खबर भी सामने आई है, जिसके तहत 4 मरीज कोरोना की इस परीक्षा को पास करके वापस अपने घर भेज दिए गए हैं, जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। पूर्णिया के युवक के मदद के लिए राशन लेकर पहुंचे थानेदार। यह वाक्य पूर्णिया जिले का है, जहां पर एक युवक ने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वहीं प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने के बाद उसने सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस में ही कॉल लगा दिया, जिसके बाद उसके घर पर 2 घंटे के अंदर सूखा राशन पहुंचा दिया गया, जिसके बाद शमशाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही स्थानीय पुलिसकर्मी का धन्यवाद व्यक्त किया। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में बिहार देश में 9वें स्थान पर, उक्त जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। इसके तहत उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बिहार के कई आम नागरिकों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया था, जिसके बाद आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार 9वें स्थान पर है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आम नागरिक आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपके आसपास कोई कोरोना प्रभावित व्यक्ति तो नहीं है। 12 दिनों में दिल्ली से पैदल चलकर कटिहार पहुंचे मजदूर, मगर अब भी घर से हैं दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के ऐलान के बाद आवाजाही की सारी सेवाएं बिल्कुल बंद हो गई थी, जिसके बाद दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोग पैदल ही अपना रास्ता तय करने लगे। वहीं इसी बीच 14 मजदूरों का वाकया सामने आया है, जो 12 दिन चलकर दिल्ली से पैदल कटिहार तो पहुंचे, मगर फिर भी उन्हें उनके घर जाने नहीं दिया गया, बल्कि प्रशासन ने उन्हें सीमा पर ही रोक लिया, जिसके बाद उनकी कोरोना जांच करवाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही इन मजदूरों को इनके घर भेजा जाएगा। बिहार में डॉक्टरों को दी गई पुलिस सुरक्षा। डॉक्टरों के साथ कुछ जिलों में हो रहे अप्रिय वाक्यों को देखते हुए अब बिहार में डॉक्टरों को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, डॉक्टरों को पुलिस सुरक्षा बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के निर्देश के बाद दी गई है, जिसके बाद डॉक्टरों के साथ हो रहे खराब व्यवहार में थोड़ी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री से की अपील। कुछ समय पहले ही नेपाल के बॉर्डर के रास्ते भारत में कोरोना फैलाने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री लगातार ये बयान दे रहे थे और दावा कर रहे थे कि बिहार सरकार ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, जिस पर अब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद नेपाल के रास्ते बिहार में कुछ लोग प्रवेश करने में कामयाब हो गए हैं। इसी असमंजस की स्थिति को देखते हुए राजद नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए मौजूदा परिस्थिति को साफ करने की अपील की है। साथ ही लोगों का भ्रम दूर करने का भी आग्रह किया है, ताकि लोग इस बात को समझ सके कि आखिर नेपाल के रास्ते लोगों के घुसने की बात कितनी सही है कितनी नहीं। बिहार के SKMCH में भी अब होगी कोरोना की जांच। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए अब सरकार ने SKMCH में भी कोरोना की जांच के लिए आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब लोगों को और ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके तहत यह भी कहा है कि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही साथ नागरिकों की आम जांच के लिए भी SKMCH का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी बिहार में कुल मिलाकर 4 केंद्रों पर कोरोना की जांच हो रही है। वहीं SKMCH में जांच की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुल मिलाकर 5 केंद्र हो जाएंगे।
बंद के दौरान मनोज वाजपेयी और दीपक डोबरियाल 3 हफ्तों से उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद का ऐलान किया था, वहीं दूसरी तरफ जो लोग जहां हैं वहीं पर फंस गए हैं, जिसके तहत मनोज वाजपेयी और दीपक डोबरियाल के उत्तराखंड में फंसे होने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह कहा जा रहा है कि मनोज वाजपेयी और दीपक डोबरियाल उत्तराखंड के एक सुदूर इलाके में है, जहां पर वह दोनों फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, लेकिन अचानक से बंद के ऐलान के बाद वह फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ वहीं पर रह गए हैं। सौरभ गांगुली के बयान से आईपीएल का आयोजन कैंसिल होना माना जा रहा तय। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सौरभ गांगुली ने आईपीएल को लेकर के अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत सौरभ गांगुली ने यह साफ कहा है कि फिलहाल आईपीएल का आयोजन संभव नहीं लग रहा है। इस वक्त आईपीएल को भूल जाना ही बेहतर होगा, जैसे कि अब इस साल आईपीएल के स्थगित होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि बीसीसीआई ने इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, वहीं बीसीसीआई को अभी इस मामले में केंद्र सरकार के आधिकारिक ऐलान का भी इंतजार है, लेकिन ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में बंद की मांग को आगे बढ़ाने का ही सुझाव पेश किया है। अब डेस्कटॉप के जरिए भी इंस्टाग्राम यूजर भेज सकेंगे मैसेज। सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम ने अब अपने यूजर्स के लिए फोन के अलावा डेस्कटॉप पर भी डायरेक्ट मैसेज फीचर को रोल किया है। डेस्कटॉप पर भी अब डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर को जारी किया गया है, जिसके तहत अब यूजर्स अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम का इस्तेमाल करने के साथ साथ किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, जिसकी जानकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इंस्टाग्राम से पहले यह फीचर फोन में ही उपलब्ध थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा, उनके नाम है सुरेश राय, अनिल कुमार, मिथिलेश भाई, नितेश कुमार, ज्योतिष, सोनी चौरसिया, गुलशन कुमार, निशांत अहमद, मिथिलेश कुमार, गुलाम गौस, विजय कुमार, राम कमलेश तिवारी, मनीष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल ही, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या प्राइवेट स्कूल की तरह ही सरकारी स्कूल द्वारा छात्रों के ऑनलाइन पढ़ाई करवाना कोरोना के कारण बंद के ऐलान में कारगर साबित होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।